के लिए मैं सारंगी कुमार को आमंत्रित करता हूँ। आज का मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय सिंधु जल संधि के तहत सिंधु, यमन और चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत और रवि व्यास और सतजुल नदी का अधिकार है। यह नोटिस संधि के अनुच्छेद 12 के तहत जारी किया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच समझौता से संधि के प्रभाव में बदलाव किया जा सकता है। राष्ट्र समाचार। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशनल वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार दे दी। मिल सचकलन शस्त्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। सरकार इस कार्य में वन नेशनल व वन इलेक्शन लागू करेगी। राज्य समाचार। देश का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य झारखंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की 100 साल हो रही है। यह पूरे देश में कुल लौह उत्पादन का लगभग 60% है। खेल समाचार। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार होगी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में अपना नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल 51वें मिनट में जुगाकर राज सिंह ने किया। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी आदि समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय में मास्टर ऑफ डिजिटल के लिए राष्ट्रीय पत्रता सह प्रवेश परीक्षा का वैलिडिटी कट ऑफ प्रतिशत को आधिकारिक तौर पर घटा दिया है।